कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए कवारिया यात्रा को विश्राम हिंदू युवा वाहिनी प्रधान कार्यालय बस्ती में जिला प्रभारी अजय अंजू हिंदुस्तानी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में सभी सनातनियों के सहयोग से सामाजिक संगठनों पर विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि अब की बार कवारिया यात्रा विश्राम करे, सभी लोग अपने घर पर ही रहकर जल अभिषेक और आराधना करें, तभी इस वैश्विक महामारी को समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि बस्ती में लगभग 10 लाख लोग जल अभिषेक करते हैं, इसलिए सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पाता। प्रदेश की सरकार एवं जिला प्रशासन से आग्रह किया गया है कि बस्ती जनपद नहीं पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रा को विश्राम दिया जाए। बैठक में विशेष रूप से आमंत्रित नदानांत बाबा एवं सभी सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक संगठक और कवारिया संघ के अध्यक्ष उपस्थित रहे। सामाजिक संगठन कांवरिया संघ के सभी सम्मानित अध्यक्ष संयोजकों के साथ बैठक करके और अपने बस्ती जनपद के संतों के अगुआ नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए श्री नंदा बाबा जी विशेष रूप से आमंत्रित करके यह एक चर्चा बनाई जा रही है और यह करने का उद्देश्य बनाया जा रहा है कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से कैसे निपटा जाए। जो हमारे मंदिरों में जाकर पूजा पाठ होती है उसको कैसे निपटा जाए, क्योंकि अब सावन की यह कांवड़ यात्रा आ रही है और इस यात्रा को बस्ती जनपद में, पूरे उत्तर प्रदेश में बस्ती जनपद में लगभग 10 लाख लोग कांवड़ यात्रा लेकर अपने बाबा भदेश्वर नाथ जल चढ़ाते हैं। जनपद ही नहीं, जनपद के तमाम अगल बगल जनपद से ही लोग आते हैं, गोंडा, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, तमाम जनपदों से लोग आते हैं बाबा भदेश्वर नाथ को जल चढ़ाने। इसलिए आज विनम्रता पूर्वक सबसे बैठकर यह आग्रह किया गया और सबकी राय ली गई कि अगर इस कांवरिया यात्रा को विश्राम इस बार किया जाए, दे दिया जाए, तो मुझे लगता है कि लाखों लोग इस महामारी से बच सकते हैं, क्योंकि 10 लाख लोग जहां यात्रा में निकलेंगे जल डालने चढ़ाने के लिए भोले शंकर को, वहां निश्चित तौर पर कितना भी आप लगा ले शासन प्रशासन, वहां सोशल डिस्टेंसिंग सामाजिक व्यवस्था बन नहीं पाएगी। और तमाम सारे सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक संगठनों ने इस बात का समर्थन दिया है कि यह अब की बार यात्रा को विश्राम देना चाहिए। और प्रशासन से भी आग्रह कर रहा हूँ मैं, अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन